तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है आइनॉक्स विंड। ये कंपनी दोस्तों अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रही है और इसमें भी काफी अच्छा रैली देखने में आपको मिल रहा है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम भी काफी ज्यादा भर भर कर देखा जा रहा है। तो हम इसके चार्ट की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके चार्ट पर वापस आएंगे। तो कंपनी का नाम है दोस्तों आइनॉक्स विंड, 610 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। इंट्राडे में 9% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 19,896 करोड़ का है। आरओसी इसका लो है, आरओई नेगेटिव में है, तो फंडामेंटली तो ये काफी डिस्टर्बिंग दिख रही है। बट फिर भी एक बार इसकी हम पूरी एनालिसिस देख लेते हैं। पिछले एक साल में इसने 111 का लो लगाया था और 663 का हाई लगाया था, यहाँ पर इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो आइनॉक्स विंड आइनॉक्स ग्रुप की एक कंपनी है और ये कंपनी विंड टर्बाइन जनरेटर्स और विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि यूटिलिटीज, पीएसयू, कॉर्पोरेट एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। आप देखेंगे इसने 100-150 वाले लेवल से उठकर डायरेक्ट 600 वाले लेवल को टारगेट किया है। बहुत ही बढ़िया मैसिव जंप दिखाया है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है, लेकिन इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक 11.7 टाइम्स बुक वैल्यू पर भी ट्रेड कर रहा है, काफी ज्यादा ओवर वैल्यू है। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ भी आपको निगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। पिछले तीन सालों में इनका जो आरओई है वो माइनस का 28% हो गया है। डेब्टर डेज इनका 238 दिन पर चला गया है और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी पिछले तीन सालों में घटी है। इसके पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो इसमें आपका सीमेंस हुआ, एबीबी, भेल, सीजी पावर, सुजरान एनर्जी, हिताची एनर्जी, अपार इंडस्ट्रीज एंड आइनॉक्स विंड जैसी कंपनियां काम करती हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 239 करोड़ का था, मार्च 2022 में 137 करोड़, मार्च 2023 में 191 करोड़ और मार्च 2024 में 528 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां माइनस का 106 करोड़ था मार्च 2021 में, मार्च 2022 में माइनस 256 करोड़ यानी कि लॉस हुआ, मार्च 2023 में माइनस का 119 करोड़ एंड मार्च 2024 में 37 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो देखा जाए तो इसके नंबर्स कुछ खास अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। जैसा कि इसका सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1,059 करोड़ का था, मार्च 2017 में 3,405 करोड़, मार्च 2021 में 711 करोड़ का ही रहा सिर्फ और सिर्फ, और मार्च 2024 में 1,743 करोड़। नेट प्रॉफिट जहां मार्च 2013 में 150 करोड़ रहा, मार्च 2017 में 303 करोड़, मार्च 2021 में माइनस का 307 करोड़ और माइनस का 53 करोड़ मार्च 2024 में, यानी कि यहां भी नंबर आपको कुछ खास अच्छे नजर नहीं आएंगे। लेकिन 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 दोस्तों इसका जो CAGR है वो पिछले 5 सालों में 61% की रेट से बढ़ा है, पिछले 3 सालों में 100% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 400% का इसने रिटर्न दिया है। यहाँ पर इसने अपने इन्वेस्टरों को पैसा दिया है, यानी कि पिछले 1-2 सालों में जिसने इन्वेस्ट किया उसने यहाँ पे पैसा छापा है। बाकी अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 375 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1674 करोड़ हो गया, मार्च 2021 में 1566 करोड़ और मार्च 2024 में 3248 करोड़ तक चला गया, जिसकी तुलना में इनके पास जो टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 950 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 5155 करोड़, मार्च 2021 में 5464 करोड़ और मार्च 2024 में 6795 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में 3248 करोड़ का लोन भी है। यानी कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा संभल के काम करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 73.39% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 52.87% हो गई, यानी कि घटा है। बहुत ही तेजी से प्रमोटर्स ने अपना पोजीशन कम किया है। FIIs 2.07% से बढ़कर 9.47% हो गए हैं। TIIs में जहां कुछ भी होल्डिंग नहीं थी इन्होंने भी 10% की होल्डिंग ले ली है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 24% से 27% हुए, यानी कि पब्लिक ने भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखी है अपने पास। कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 7 पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे, 1 न्यूट्रल और 8 निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से भी ज्यादा निगेटिव संकेत है इसमें, तो थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। जिसमें से आपका जो लायबिलिटीज हुआ कंपनी का उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है, कैपेक्स वर्सेस आरओसी में आरओसी पिछले 3 सालों में बढ़ा है, शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में ठीक रहा है, बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी है। कंपनी के ऊपर जो चिंता की बात है वो डेब्ट बहुत ही खतरनाक है, वर्किंग कैपिटल जो है इनका ड्रैग हुआ है, आरओई पिछले 10 सालों में डिक्रीज हुआ है क्योंकि इसके पहले जो ट्रेंड था वहां से काफी तेजी से गिरा है, सेल्स ग्रोथ में उतनी ग्रोथ आ नहीं रही है, आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो कंसिस्टेंटली निगेटिव की ओर जा रही है,
और रिटेल्स की होल्डिंग भी इसमें काफी ज्यादा है, अभी भी 25% से ज्यादा की होल्डिंग है। हम अगर इस कंपनी के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 7% का इसके पास मार्केट शेयर है विंड इंस्टॉलेशन सेगमेंट में। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 100% मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स। लोकेशन में अगर बात करें तो 100% इंडिया में ही बिजनेस होता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे अप्रैल 2015 में यहाँ पे आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, वहां से स्टॉक गिरा ही था और अभी जाके इसने अपने आईपीओ वाले लेवल का ब्रेकआउट दिया है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके बाद इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर इस स्टॉक में तेजी बनती है तो इस लेवल के ऊपर बहुत ही जल्द 800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है और फिर अगर वहां पे कंसोलिडेशन होती है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो फिर ये 1000 वाले लेवल पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।